हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टर्म ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, जहां पर के हमने इन दोनों टर्म्स को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर ये लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले लिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, और साथ ही साथ हम डेराइव करेंगे इसकी इक्वेशन। तो ये लेक्चर आपके क्लास नाइन्थ के एग्जाम के साथ साथ एएमयू और जामिया मिल्लिया के 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बने रहें हमारे साथ। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि जो अर्थ का मास है इसे कहां पर कंसंट्रेटेड माना जाता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए नॉर्थ पोल, बी साउथ पोल, सी इट्स सरफेस या फिर डी इट्स सेंटर। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक बार जब न्यूटन अपने घर के बाहर एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे तो उनके सर पर एक सेब गिर गया था, जिसकी वजह से उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ऐसी क्या चीज है जो कि इस सेब को अपनी तरफ खींच रही है। ये सेब नीचे ही क्यों आया, ये दाएं भी जा सकता था, बाएं भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ये सेब नीचे ही क्यों आया। तो इसी के चलते और उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां पर न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। यानी कि न्यूटन ने यहां पर कहा कि यूनिवर्स के अंदर हर एक पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है, और ये जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी दो पार्टिकल जो कि आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों पार्टिकल्स के डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके। नाउ आगे बढ़ने से पहले इस लॉ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम असाइन कर लेते हैं यहाँ पर कुछ सिंबल्स को, जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए कैपिटल एफ, मास ऑफ द प्लैनेट के लिए कैपिटल एम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए स्मॉल एम, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स के लिए डी। तो यहाँ पर जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। इस केस में मास ऑफ द प्लैनेट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे हम प्लैनेट का या उस ऑब्जेक्ट का जिसको के प्लैनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसका मास बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वो भी बढ़ता चला जाएगा। नाउ इस लॉ के नेक्स्ट पार्ट में न्यूटन कहते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है उसके स्क्वायर के। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो किसी भी दो पार्टिकल्स या प्लैनेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स है अगर उन दोनों प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटता चला जाएगा। यानी कि वो प्लैनेट्स या वो दो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो उनका लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा, और इसका जो घटने का रेट होगा जो रेशो हमें मिलेगा वो होगा स्क्वायरली। अच्छा, जब न्यूटन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो दो इक्वेशंस आप ऊपर देख रहे हैं जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाती है जो कि है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देन जब हम यहाँ पर
प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तो हम ये जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इज इक्वल टू के साइन के साथ साथ कांस्टेंट की, और यहाँ पर हम इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज करते हैं जी, जो के है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहीं से इसका फॉर्मूला बन जाता है जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है इंक्लूडिंग अर्थ। देन यहाँ पर जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो कैपिटल जी है ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इस यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में जब हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं यूनिट मास के और उनको एक यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पर हमें एक फोर्स मिलता है, और ये फोर्स बराबर होता है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के। तो जब हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ है अर्थ का मास है 6 × 10^24 केजी, और अर्थ का जो रेडियस है वो है 6.4 × 10^6 मीटर। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है यानी कि F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू जी की एम की और स्मॉल एम यहाँ पर बेसिकली है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको के कंसीडर किया गया है 1 kg, और कैपिटल एम यहाँ पर है मास ऑफ अर्थ जो के है 6 × 10^24 kg, और आर यहाँ पर है 6.4 × 10^6 मीटर। तो इस सब को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल जी से जो के है 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है वो मिलता है F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। यानी के अगर अर्थ के सरफेस पे कोई 1 kg मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर एक किलो मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अर्थ उस पर 9.8 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करने के लिए। सो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ द लेक्चर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके कैलकुलेशन के बारे में। और मैंने आपसे सवाल किया था कि जो अर्थ का मास है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड समझा जाता है, और इसके लिए आपके ऑप्शंस थे ए नॉर्थ पोल, बी साउथ पोल, सी सरफेस या फिर डी इट्स सेंटर। तो जो अर्थ है उसका जो सारा मास है वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड कंसीडर किया जाता है, वहां पर माना जाता है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके बाय।